व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज सैटरडे, आज 12 नवंबर है। आज हम लोग जा रहे हैं वकांडा फॉरएवर देखने के लिए, जो कि हम लोग कल ही जाने वाले थे फर्स्ट डे पे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग हर मूवी जो है ना वो फर्स्ट डे पे देखने का ट्राई करते हैं, लेकिन कल थोड़ा लेट हो गया था फर्स्ट शो के लिए। और फिर उसके बाद के टिकट के प्राइस ना बहुत आसमान के रेट छू रहे थे, तो हम लोग ने बोला अगले दिन सुबह देखने जाएंगे। तो अभी कुछ 10 बजने आ रहे, अभी 9:40 हो रहे हैं, 9:40 हो रहा है ना, टाइम देख लो, हाँ अभी बराबर एग्जैक्ट 9:40 हो रहे हैं। और अभी हम लोग जाएंगे, टिकट लेंगे, टिकट भी नहीं लिया अभी तक क्योंकि ऑनलाइन में उसका भी प्राइस ज़्यादा रहता है। तो पहले टिकट्स परचेज करेंगे और 20 मिनट पिक्चर देखने के लिए, और बाकी आगे मिलता हूँ। सो इस बार हम लोग उमा हैं, इसके पहले तक ऑलमोस्ट हर बार हम लोग मैग्नेट मॉल जा रहे थे, ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद उमा आ रहे हैं। और यार अभी टिकट का तो पूरा अलग ही हो गया, सबसे पहले जब आते थे तब टिकट मिलता था, फिर एक आता था बोलता था कि फोटो खींच के दिखाओ ये वाला, अभी तो सीधा बोल रहा है मैसेज आ रहा है लिंक ओपन करो फिर क्यू आर कोड दिखाओ। टिकट का अलग ही सीन चल रहा है। देख रहे हो ये हम लोग थंबनेल के लिए ले रहे हैं, इतनी गंदी लाइटिंग है ना, और एक ही पोस्टर। तो सीन्स को जैसे कि अब हम लोग लॉन्च में बैठे हैं, और यार किसी को देख के लग रहा नहीं वो ज़्यादा एक्साइटेड है, और काफ़ी कम लोग आए हैं सबसे पहली बार, एक सुमित और मैं, हम लोग को लग रहा है पिक्चर देखने में इंटरेस्टेड है। हॉस्पिटैलिटी खराब है, उसकी वजह से लोग नहीं आते रहेंगे। मेरे को लग रहा है मैग्नेट काफी ज्यादा सही जा रहा था, लेकिन थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में करना पड़ता है कभी कभी। यार बाकी देखते हैं वकांडा फॉरएवर कैसा जाता है, स्पेशली चैडविक बूसमैन के डेथ के बाद तो फिर वो और ज़्यादा ये हो गया कि मतलब फिर नेक्स्ट ब्लैक पैंथर कौन होगा। अब एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि यार यहाँ पर माहौल ही नहीं बन रहा है, बच्चे लगे सब, बच्चे लोग देखने हैं। यार भाई क्या है ये, सुमित क्या है यार, ब्लैक पैंथर का फैन फॉलोइंग कम हो गया लग रहा है मेरे को यार, क्या है ये, थिएटर में ही लोग कम आते हैं अब। हाँ बस यार मूवी अच्छी रहे, नहीं तो फिर सुबह उठना पूरा वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट टोटली। थिएटर में ऐसे ही होता है सब चीज़, बहुत महंगा होता है। नहीं सबका प्राइस ही एक है, वेज ले या नॉन वेज, आलू ले या चिकन ले, खाना क्या जाते हो सेम प्राइस में। क्यों मिल रहा है, मतलब वेजिटेरियन लोगों की बात। ये ऑन था क्या, अच्छा देने वाले जिसका ब्रांड है प्रोटीन का वो एक्चुअल अच्छा नहीं बना, तुम कहां से ये वाला फ्रेम अच्छा है। अबे टाइम देख बंटा है, 7 मिनट अपने आ गए, अभी इधर से अच्छा लाइट आ रहा है। हाँ सामने से ना मस्त वाला, अभी क्या हुआ गेट खोलेगा तो जाके बैठ जाएंगे ना, देखेंगे कोई पीछे जा रहा नहीं जा रहा तो हम बैठ जाएंगे। हाँ वही करेंगे, वैसे भी वही करने वाले। अभी आदि पुरुष का देख इतना पोस्टर लगा के रखा है, लगता तो नहीं वो उतना चलेगा जी। एक राम थे तो उसको देखने का था भे, थोड़ा स्टोरी मतलब लग रहा था कि मतलब, लेकिन फिर मैं उसका देखा ना रिव्यू वगैरह सुना, अब भी खाली है, अब भी खाली है, अब भी खाली है, 10-11 पे जाके बैठ जाएंगे सीधा, देख रहे हो ऐसे लोगों को लाओ साथ में, सीधा 10-11 पे जाके बैठ जाएंगे, देख रहे हैं सेंटर, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग भी ऐसा करते हो नॉर्मल टिकट का पैसा देके रिक्लाइनर पे जाके बैठते हो? ये हम लोग ने हाल ही में चालू किया, बैठना चाहिए बाबा, खाली रहता है उसको यूटिलाइज करो, बैठना चाहिए, गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर जी। बाद में मालूम पड़ा किसी ने बुक कर रहे हो और वो आया मिला।
हर जाएंगे, क्या दिक्कत है, हमारा बोल देंगे हमारा सिटी ये नहीं है, रिसल्ट कर जाएंगे क्या। वैसे भी सही में अभी भी देख रहे हो ना, सुमित दिखा, एक सेकंड दिखाओ, दिखा पूरा खाली है। अरे वो इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ऐसा कम कर। हाँ देख रहे हो, ये पूरा एम्प्टी स्लॉट है, पूरा मतलब भाई क्या ब्लैक पैंथर का फैन फॉलोइंग ही नहीं है। देख सारे प्लैटिनम में ही भरे पड़े, सारे बस जो टॉप के नीचे वाला लेवल है ना वो थोड़ा भरा पड़ा, बाकी पूरा खाली। 12-13 सी वाला अपना है, 12-13 अपना है ना। हाँ ठीक है, 12-13 प्लैटिनम, 4 अभी 10 बजे का है ना, 10 का शो है ना, एंट्री होगी। हाँ ठीक है भाई, ये डायरे स्क्रीन नंबर भाई, कलर मतलब भाई चलो चलो स्टार्ट, चलो चलो जाते हैं। तो वी आर डन विद द मूवीज, और अच्छी मूवी थी, आपको रिव्यू देना है। रिव्यू इन द सेंस अच्छी मूवी अच्छी, बुरी मूवी बुरी। तो ये मूवी को क्या कहने जाते थे, अच्छा था बोलमैन का जैसे होता ना एक रिव्यू फाइनल एंडिंग के साथ, वो मेरे को अच्छा लगा, मतलब जिस तरीके से इन लोगों ने किया वो अच्छा लगा। सिंबल वो नहीं रहते पे भी फील आ रहा था कि वो है, स्पेशली उसके बहन को जो दिया उसका पानी का, वो तो खतरनाक, उसका नहीं रहने के बावजूद भी वो है ऐसा लगा पिक्चर में, वो मजा आ गया। अरे